दोस्तों 13 अप्रैल 2024 को इसराइल हमास वॉर में एक नया मोड़ तब आया जब ईरान ने 300 मिसाइल्स और रॉकेट्स को ताबड़तोड़ तरीके से इसराइल पर दाग कर खुद को ऑफिशियली इस युद्ध में शामिल कर लिया। ईरान का यह पलटवार इसराइली फोर्सेज द्वारा सीरिया में मौजूद ईरानी दूतावास पर मिसाइल्स गिराए जाने के बदले में था और दोस्तों इस घटना ने ईरान इसराइल रिलेशंस को और पेचीदा कर दिया है और दोनों के संबंधों में दुश्मनी के एक नए चैप्टर को जोड़ दिया है जो एक समय दोस्ती से शुरू हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ईरान टर्की के बाद मिडिल ईस्ट का वो दूसरा देश है जिसने इसराइल के फॉर्मेशन को उस समय मान्यता दी थी, पर आखिर इस दौरान इतिहास में ऐसे कौन से इंसिडेंट्स घटे हैं जिसने आज दोनों देशों को एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की आग में कूदने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों अगर आप इसराइल और ईरान के संबंधों के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस होने वाली है, क्योंकि इसमें हम इसराइल ईरान संबंधों को 3 टाइम पीरियड्स में बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इनमें पहला पीरियड है 1948 से 1979, यानी इसराइल के बनाए जाने के बाद उसके ईरान में मौजूद रेजा पहलावी के साथ अच्छे संबंधों पर। दूसरा 1979 में रूहुल्लाह खुमैनी के उदय के बाद दोनों देशों के बीच खटास भरे संबंधों पर। और तीसरा ईरान और इसराइल के बीच चल रही प्रेजेंट डे क्राइसिस पर। दोस्तों इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट में ईरानी ऐसा देश क्यों है जो इसराइल से बिना किसी टेरिटोरियल डिस्प्यूट के पिछले 50 सालों में इसराइल से भिड़ा हुआ है। दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप इसके एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हाल ही में यूपीएससी ने 2023 रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट किया है और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यूपीएससी में फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले श्री आदित्य श्रीवास्तव अन अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, रैंक थर्ड और रैंक सिक्स प्राप्त करने वाले टॉपर्स भी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे हैं। दोस्तों ये लिस्ट इतनी लंबी है कि 315 से भी अधिक ऑफिसर्स अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से लाभान्वित हुए हैं। और दोस्तों इसी रिजल्ट सेलिब्रेशन की खुशी में अन अकेडमी सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को दे रहा है अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट। दोस्तों अब 15 मंथ्स के यूपीएससी सब्सक्रिप्शन की प्राइस केवल 29,999 कर दी गई है और ये ऑफर केवल लिमिटेड टाइम के लिए है, तो वेट मत करिए, सब्सक्राइब करिए और उड़ान दीजिए अपने यूपीएससी ड्रीम्स को। इसकी सब्सक्रिप्शन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक पर। फर्स्ट फेज 1948 to 1979। दोस्तों इसराइल ईरान के रिलेशनशिप की शुरुआत 1948 में तब हुई जब इसराइल जो हाल ही में नया देश बना था उसको फर्स्ट अरब इसराइली वॉर के रूप में अरब देशों का आक्रोश झेलना पड़ा था। यहाँ ईरान जहाँ पर रेजा पहलावी की सरकार थी जिसे अमेरिका का सपोर्ट हासिल था जो उस समय की सबसे लिबरल विचारधारा वाली सरकारों में से एक थी, उसने इसराइल का सपोर्ट करते हुए न केवल खुद को इस युद्ध से अलग रखा बल्कि टर्की के बाद इसराइल मान्यता देने वाला दूसरा देश भी बन गया। दोस्तों दोनों की दोस्ती इस तरह परवान चढ़ रही थी कि नए नए बने इसराइल का 40% ऑयल इंपोर्ट ईरान से ही होता था और बदले में इसराइल उसे अपने वेपन्स, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था। इतना ही नहीं दोस्तों, इसराइल की मोसाद स्पाई एजेंसी जो दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसीज में से एक है, वो रेजा पहलावी की सावक सीक्रेट पुलिस को ट्रेन किया करती थी। लेकिन हालात तब बदले जब 1979 में ईरानी रेवोल्यूशन की वजह से ईरान में रेडिकल धर्म गुरु रूहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए, जिस पर हम ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जिसे आप आई बटन पर टैप करके देख सकते हैं। सेकेंड फेज आफ्टर 1979। दोस्तों खुमैनी के आते ही ईरान और इसराइल के मधुर संबंधों में खटास पड़नी शुरू हो गई और दरअसल इसराइल जिसके रेजा पहलावी के साथ अच्छे संबंध थे, खुमैनी के आने के बाद इसराइल ने खुमैनी की सरकार को मान्यता नहीं दी। और दोस्तों दूसरी तरफ खुमैनी ने इसराइल के यरूशलम पर ऑक्यूपेशन को इलीगल घोषित कर दिया और खुमैनी के पावर में आते ही ईरान में यूनाइटेड स्टेट्स को ग्रेट सैटन यानी एक बड़े शैतान के तौर पर और इसराइल को लिटिल सैटन यानी छोटे शैतान के तौर पर देखा जाने लगा। यहाँ सैटन का मतलब शैतान है, क्योंकि जिस इस्लामिक रिजीम ने ईरान को अपने कंट्रोल में लिया था वो पैलेस्टीनियन मुसलमानों से सहानुभूति रखती थी, साथ ही इसराइल और अमेरिका को एंटी इस्लामिक मानती थी और इसी वजह से दोनों देशों के बीच हॉस्टाइल राइवलरी मर्ज होने लगी। हालांकि दोस्तों इस तूतू मैमे के बाद भी दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक लिंक्स अभी भी जुड़े हुए थे, व्यापार हो रहा था एंड इवन इसराइल ने ईरान को सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ने के लिए 1500 मिसाइल्स भी प्रोवाइड कराई थी। लेकिन दोस्तों बात तब बिगड़ी जब ईरान ने 1980s के दौर में इसराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट में एंटी ज्यू प्रोपेगेंडा भड़काने के साथ इसराइल की नेबरिंग कंट्रीज जैसे सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में प्रॉक्सी मिलिशियाज को फंडिंग देनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच एक शैडो वॉर ने जन्म लिया और इसराइल के साथ ईरान के सारे कोऑपरेशंस खत्म हो गए। प्रॉक्सी वॉर
दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए पहले आइए उन प्रॉक्सी वॉर्स के बारे में जान लेते हैं जो ईरान ने इसराइल के अगेंस्ट जाकर फंड किए थे, जिसकी वजह से आज भी दोनों देशों में टकरार मौजूद है। दोस्तों, 1980 की शुरुआत में ही ईरान ने इसराइल के अगेंस्ट प्रॉक्सी ग्रुप्स को तैयार करने का बड़ा काम शुरू कर दिया था, जिसे ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है। इसमें सबसे बड़ा नाम है हिजबुल्ला ग्रुप का, जो 1980s में ईरान का सबसे पहला मिलिशिया ग्रुप था। इनकी मौजूदगी लेबनान में है, जो इसराइल के नॉर्थ बॉर्डर से लगा हुआ है, और इस ग्रुप को ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से मिलिट्री फैसिलिटीज और फंडिंग मिलती है। हिजबुल्ला तेहरान के शिया इस्लामवादी आदर्शों को मानता है और ये ज्यादातर लेबनानी शिया मुस्लिम्स को ही भर्ती करता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक 2020 तक कम से कम 130,000 रॉकेट्स और मिसाइल्स के साथ हिजबुल्ला दुनिया का सबसे बड़ा वेपन से लैस नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। और 2020 में अमेरिकन फॉरेन डिपार्टमेंट ने ये रिवील किया था कि ईरान लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन को हर साल $700 मिलियन की फंडिंग करता है। लेबनान के बाद यमन में भी ईरान सपोर्टेड मिलिशिया ग्रुप 30 सालों से एंटी इसराइल आइडिया पर काम कर रहे हैं, और हूथी रेबल्स की शुरुआत 2004 में यमन में सुन्नी मेजॉरिटी गवर्नमेंट से लड़ते हुए हुई थी। इसी ग्रुप ने 2014 में यमन से सुन्नी गवर्नमेंट को हटाकर वहां के कैपिटल सना पर कब्जा कर लिया था, और इन सभी एक्ट को सपोर्ट किया ईरान ने, ताकि ईरान के एंटी वेस्ट एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की रीच और बढ़ सके। और आज ये हूथी रेबल्स भी इसराइल को ईरान की आइडियोलॉजी पर आगे बढ़कर खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, इसराइल का एक और पड़ोसी देश सीरिया भी है, और एक तरह से ईरान के ही नक्शे कदम पर चलने वाला ये देश है, क्योंकि सीरिया के शिया असद फैमिली को सत्ता में बनाए रखने के लिए ईरान ने काफी सपोर्ट किया है, जो इसराइल के खिलाफ ईरान का एक और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। दोस्तों, इसी तरीके से इराक में कतैब हिजबुल्ला, गाजा में हमास, सऊदी अरेबिया में शिया टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल्ला अल हिजाज, बहरेन में अल अश्तर ब्रिगेड मिलिशिया ग्रुप ईरान के एंटी इसराइल और एंटी वेस्ट एजेंडा को पूरा करने में सालों से लगे हुए हैं। थर्ड फेज, प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों, इन्हीं प्रॉक्सी वॉर की वजह से आज दोनों देशों के रिलेशंस बहुत ही खराब है, जिसका सबसे रीसेंट एग्जांपल तो हमास खुद ही है। जी हाँ दोस्तों, 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर जो हमला किया था, उस हमास को सबसे ज्यादा सपोर्ट ईरान ही करता रहा है। इसीलिए जब इसराइल में हमास के हमले से लोग मारे गए थे, तो ईरान में एक तरह से जश्न का माहौल देखा गया। दोस्तों, इसके साथ ही ईरान की अथॉरिटी इसराइल के साथ 1979 के बाद किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहती है, एंड इवन 2015 में ईरान के सुप्रीम लीडर ने अगले 25 सालों में इसराइल को खत्म करने की बात कही थी, और ये बात हमेशा लोगों को याद रहे। इसके लिए तेहरान सिटी के एक चौक पर इसराइल के खात्मे को लेकर एक स्टॉप वॉच लगाया गया है, जिसमें इसराइल के घटते दिनों को देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ईरान को इसराइल से प्रॉब्लम क्या है? ऐसी क्या वजह है जिससे इकलौता ईरान बाकी मिडिल ईस्ट कंट्री के बजाय इसराइल पर ज्यादा आक्रामक रहता है? वैसे तो मिडिल ईस्ट की मोस्टली कंट्रीज इसराइल को पसंद नहीं करती हैं, फिर भी ईरान ही क्यों इतना इसराइल से आग बबूला रहता है? आइए अब ये जानते हैं, व्हाट डज ईरान रियली वांट। दोस्तों, अभी हमने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात की थी, और इसमें एक बात नोट करने वाली है, और वो है कि ईरान के मैक्सिमम प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप शिया मुसलमानों के हैं। इसके पीछे एक मेजर कारण ये है कि मिडिल ईस्ट में ज्यादातर प्रभाव सुन्नी ग्रुप्स का है, और सऊदी अरेबिया इसी सुन्नी ग्रुप का लीडर है, जो पूरे मिडिल ईस्ट के इस्लामिक रिजीम को डोमिनेट करता है। ईरान इसी डोमिनेंस को सुन्नी से शिफ्ट करके शिया पर ले जाना चाहता है, और बतौर शिया मेजोरिटी देश वो मिडिल ईस्ट का नया पोल स्टार बनना चाहता है। इसीलिए वो एंटी वेस्ट और एंटी इसराइली एजेंडा पर काम करते हुए खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसराइल की दूसरी चाहत है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ईरान का यही न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। दरअसल, ईरान मिडिल ईस्ट का एक बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला देश है, और ईरान के इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए इसराइल सालों से अपनी सेना को तैयार कर रहा है। ईरान का मानना है कि इसराइली अटैक्स का मेन टारगेट है उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और सेंट्रीफ्यूजेस एनरिचिंग यूरेनियम पर इसराइल और अमेरिका ने स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस से अटैक किया था। लेकिन दोस्तों, 2020 के बाद से तो इसराइल ने ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर कई ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए, और साथ ही 2018 में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी अपना निशाना बनाया। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान के न्यूक्लियर अग्रीमेंट से अमेरिका को अलग कर लिया, तो इसे एक तरह से इसराइल की जीत और ईरान की हार मानी गई। ईरान उसके बाद भी ये यकीन दिलाता रहा कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल इस्तेमालों के लिए है, लेकिन जिस तरह से ईरान में मिले यूरेनियम साइट्स को ईरान ने दुनिया से छुपा कर रखा, उससे दुनिया भर के देशों को ये लगने लगा कि ईरान का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम उतना भी पीसफुल नहीं होने वाला है। इसीलिए इसराइल को ये डर लगने लगा कि ईरान अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ कर सकता है, और इसीलिए वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी मिलिट्री पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाने के लिए इसराइल को
प्रॉक्सी वॉर्स में फंसाकर उसे वॉर में उलझाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के इन्हीं प्रॉक्सी वॉर्स के जवाब में इसराइल ने सीरिया में मौजूद ईरानियन एम्बेसी पर हमला किया था, जो ईरान इसराइल के डायरेक्ट वॉर की वजह बन गया। अब दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर इन दोनों के बीच में जंग होती है तो इस जंग में किस देश का पल्ला भारी होगा। पावर कंपैरिजन बिटवीन ईरान एंड इसराइल। दोस्तों, 8.67 करोड़ की आबादी वाले ईरान में 4 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कभी भी आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्टिव पर्सनल्स की बात करें तो ईरान में अभी 6 लाख के करीब सैनिक हैं, वहीं दूसरी तरफ इसराइल में करीब 1.67 लाख से एक्टिव पर्सनल्स हैं। यानी कि इस मामले में ईरान बहुत ही आगे है, लेकिन दोस्तों हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ईरान और इसराइल एक दूसरे के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं, इसीलिए अगर इन दोनों के बीच वॉर होती है तो वो वॉर फाइटर जेट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होगी और इस फाइटर जेट्स के मामले में इसराइल बहुत ही आगे है। इसराइल के पास जहां 600 प्लस एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं ईरान के पास सिर्फ 541। इसराइल के पास जहां 341 फाइटर जेट्स हैं, वहीं ईरान के पास सिर्फ 200। ऐसे में इसराइल का इस वॉर में थोड़ा सा पल्ला भारी है। साथ ही नेवल पावर की बात करें तो ईरान के पास 101 नेवल वेसल है, वहीं इसराइल के पास सिर्फ 67। साथ ही दोस्तों, ईरान के पास 19 सबमरीन्स भी है, वहीं इसराइल सबमरीन्स के मामले में ईरान से बहुत पीछे है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 ही सबमरीन्स है। इस तरह ओवरऑल कंपैरिजन में ईरान का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन इसराइल के पास यूएस का साथ है और यही अमेरिकन सपोर्ट ईरान को बैकफुट पर धकेल सकता है। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो कभी एक दूसरे के पक्के दोस्त रहे ईरान और इसराइल आज मिडिल ईस्ट में अपनी पावर डोमिनेंस को बढ़ाने के चक्कर में वॉर तक पहुंच गए हैं, और दोनों देशों के बीच ये वॉर डिसाइड करेगी कि वेस्ट एशिया पर फ्यूचर में कौन सा देश राज करेगा। रिजल्ट चाहे जो भी हो दोस्तों, इस वॉर में दोनों ही देशों में बड़े पैमाने पर नुकसान की संभावनाएं जरूर है, जो दुनिया को एक और इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ धकेल सकती है, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। खैर दोस्तों, ये था एंड इस वीडियो का। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जियोपॉलिटिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।